पहाड़ नंबर एक, पहाड़ नंबर दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, और ये हमारे गांव के गद्दी। पंद्रह, सोलह, सतारह, अठारह, उन्नीस, बीस, इक्कीस, और ये हूँ मैं। अबे साले, और हम जा रहे हैं वन में, आगे की तरफ। हमारे साथ चले हुए हैं गद्दी नकड़ों के और उनकी भेड़े, और ऊपर हमारे जैकी जी भौंकते हुए इन काले मुंह वाले प्राणियों पर, और ये टोरी की बेलें, और ऊंचा सा पहाड़, और ये गद्दी जी। और ये जो गद्दी जी हैं, इन्होंने इनके काफी फनी से नाम रखे हैं, करेलो, तितली, पुंडी, और क्या क्या, और क्या क्या नाम है बताइए जल्दी। ये शर्मा रहे हैं थोड़ा सा वीडियो में आने से, लेकिन इनकी भेड़े इनसे भी आगे जा रही हैं। और ये जैकी जी आ चुके हैं बंदरों को खेद कर, साथ में इनके बकरियां। और ये चील ढह चुकी है, जैकी जी जा रहे हैं, बकरियां जा रही हैं, गद्दी जी आ रहे हैं मुंह लुकाकर। मस्त जोक मारा रे। और ये फिर से एक बड़ा सा पहाड़, और ये जैकी जी ध्यान से देखते हुए। और ये हमने अपने बाहुबल से लकड़ को पलट दिया है, साले का खोपड़ी तोड़। और ये रहा हमारा कुंभ का दस्ता। तो अभी हम सूखी लकड़ियों को नीचे पहुंचा रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ एक भेड़ खड़ी है, ये पत्ते खा रही है। भेड़ जी, क्या हम इस लकड़ी को ले सकते हैं बताइए? ये बोल रही है ले जाइए। तो भेड़ जी जा चुकी हैं, और अभी हमें इस लकड़ी को पहुंचाना है नीचे। काफ़ी ख़तरनाक है ये, कोई बात नहीं पहुंचा देंगे। ये बैला भी पहुंच गया नीचे, अभी हमारे साथी ऊपर चढ़े हुए हैं वो लकड़ी लाने के लिए। और ये हमारी गद्दी जी बना रहे हैं पर्चू पेपर के लिए। और ये हम बड़ी बड़ी चट्टानों पर फिसलते हुए ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं, साथ में हमारी गन भी है, कहीं गिर ना जाए हम। यहाँ से पहाड़ काफी छोटे दिख रहे हैं, साथ में बकरियां भी आ रही हैं, और गद्दी जी भी चले हुए हैं। ये देखिए कितनी दूर आकर भी पहाड़ों पर रास्ते बने हुए हैं। बकरियां भी पीछे आ रही हैं, पहाड़ ऊंचे ऊंचे हैं। दोस्तों अभी अभी यहाँ से इस रास्ते से एक छोटा सा सांबर भागते हुए गया, लेकिन हमारे जैकी जी को इसके बारे में कुछ पता नहीं चला। जैकी जी उसकी खोज कर रहे हैं, लेकिन अब वो इसको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा नीचे जा चुका है। और ये गद्दी जी यहाँ पे कुछ कर रहे हैं, पता नहीं पत्थर मार रहे हैं। अभी हम पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर पहुँच चुके हैं, ये रही हमारी गन, और इस रास्ते से हमें लकड़ियों को पहुँचाना होगा अब नीचे। ये रही सूखी लकड़ियाँ, और ये रहा हमारा रास्ता। तो गाइस, हम फाइनली पत्थरों पर रगड़ते रगड़ते आ चुके हैं नीचे, और अभी फिर से जाना होगा ऊपर इस रास्ते से। तौबा तौबा तौबा। मौसम तो वैसे बारिश का है, लेकिन फिर भी अपने को पसीने पड़े हुए हैं। अभी फिर से यहीं से चढ़ू। दोस्तों, अगर आप भी ऐसे किसी पहाड़ पर जाते हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने शूज़ पहन के रखें। हमने तो यहाँ पे चप्पलें पहन रखी हैं, इसलिए हमारे
गिटने सिलो रखे हैं, और ये देखिए कांटे, ये कांटे काफ़ी ज़्यादा तंग करते हैं। तो जब भी किसी पहाड़ पर जाएँ तो शूज़ वगैरह प्रॉपर पहनिए, ताकि आपको ऐसी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। वहाँ पे मोर की आवाज़ आते हुए बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं मोर भी, और हम चढ़ रहे हैं चढ़ाई। ये देखिए कैसा रास्ता है, ऐसे ही रास्तों से होकर ऊपर चढ़ना पड़ता है यार। तो दोस्तों, गलती से हमारी तलवार नीचे रह गई, इसलिए हमें अभी दूसरी तलवार लेनी होगी। ये रही हमारी नई तलवार। कुछ भी करे बहुत मनुष्य लग लो, मत करो, रहने दो बहुत बुरे। पहले इस तलवार को चेक कर लिया जाए कितनी पक्की है ये। ये तो टूट गई, दूसरी ले लेते हैं। एक और आ गई, लेकिन हमें तो एक ही चाहिए। ये देखिए, ये हो चुकी है सेट, और ये भी टूट गई, और बाकी को भी तोड़ दिया। अभी हम नहीं करेंगे इसका यूज, हम एक लेके चलते हैं ऊपर की तरफ। तो गाइस, अभी हम फाइनली आ चुके हैं पहाड़ी के ऊपर, और हमारे साथी भी आगे यहीं पर हैं। आपको दिख रहे होंगे थोड़े थोड़े, वो देखिए जूम करके थोड़े से जाप रहे हैं, और गद्दी जी लगता है काफ़ी आगे निकल चुके हैं, और उनकी बेटे भी उनके साथ चली गई हैं। तो हम भी और ऊपर की तरफ चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पर भी सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करके रखी हुई हैं। गीली लकड़ियाँ नहीं तोड़नी चाहिए, अगर कभी भी जंगल में जाओ तो सिर्फ सूखी लकड़ियाँ लो, और जितनी जरूरत हो उतना ही यूज़ करो। तो यहाँ पर हमारे जैकी जी नीचे से आ रहे हैं, अचानक से आते हैं और हमको डराते हैं। ये आ गए हैं, पता नहीं किधर से आए हैं। और ये देखिए पहाड़ कैसे नीचे गिरा हुआ है। जैकू और ये जैकी जी भी काफ़ी थक चुके हैं पहाड़ पर चढ़कर। अभी नीचे जाएंगे थोड़ी देर बाद, तो ये अभी पानी पियेंगे खड्ड में, काफ़ी थक चुके हैं। तो दोस्तों, अभी हम पहाड़ी के किनारे पर आ चुके हैं, तो अभी हम आपको दिखाते हैं पहाड़ी का दूसरा कोना। ओ, जैकी जी फिसल रहे हैं, हम भी फिसल रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हम आ गए हैं ऊपर, और इस तरफ भी पहाड़ ही पहाड़ हैं। वो देखिए दूसरी तरफ के पहाड़ आ चुके हैं। वहाँ दूर पहाड़ी पे दिख रहे हैं टावर, जो कि हमारे घर के ऊपर वाले पहाड़ पर हैं, लेकिन देखिए हम कितनी दूर आ चुके हैं। अभी बसंत का महीना चल रहा है, तो सारे पेड़ों पर नए नए फूल लग रहे हैं। जंगल में काफ़ी ज़्यादा सुंदर पेड़ देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर खैर के पेड़ भी हैं। तो अभी हमारे गद्दी जी अपनी बकरियाँ खो बैठे हैं, पता नहीं किधर घूम रहे थे ये, और इनकी बकरियाँ काफ़ी आगे चली गई हैं, अभी उनको ढूंढ रहे हैं ये। तो हल्की हल्की बारिश लग पड़ी है, और हमारी लकड़ियाँ अभी नीचे नहीं पहुँची है। हम इसको धीरे धीरे नीचे फेंक रहे हैं। देखो कैसे कैसे रास्तों से नीचे लकड़ू उतारना पड़ रही हैं। तो गाइस, फाइनली हमारे लगभग सारे लकड़ू पहुँच चुके हैं नीचे, और अब हम वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए चलते हैं घर को। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।